हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और आपको पता होगा कि हम अभी केवल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जब 10 तक हमारे सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 10 के बाद हम सेकंड पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे। और टाइम भी डिसाइड हो चुका है, अब जो वीडियो अपलोड होगा वो इवनिंग में 7 o'clock ही आपको मिलेगा। तो आप टाइम से वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप ओल्ड पेपर ढूँढ रहे हैं तो काफ़ी ओल्ड पेपर मैंने MA से रिलेटेड अपलोड किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, ओल्ड पेपर की अलग एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। उसमें जो भी पेपर्स मुझे अवेलेबल हो रहे हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ पर शॉर्ट्स में डाल रही हूँ। और आप भी अगर कोई पेपर मुझे सेंड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको ओल्ड पेपर की सीरीज़ के नीचे मिलेगा और ओल्ड पेपर मुझे आप सेंड कर सकते हैं। तो आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर। तिब्बत यात्रा वृत्तांत रचना का संबंध है, तो ये संबंध है राहुल संस्कृत्यान। यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा राहुल संस्कृत्यान। इतिहास लेखन में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो से तात्पर्य है, तो इससे जो तात्पर्य है वो हो जाएगा ब साधारण व्यक्तियों को विषय वस्तु बनाकर इतिहास लेखन। इनमें से किसे इतिहास लेखन के संदर्भ में प्रथम दैनंदिनीय माना जाता है, तो ये माना जाता है मेडिटेशन। और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेडिटेशन नामक दैनंदिनीय किस भाषा में लिखी गई, तो ये ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। मेडिटेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो मार्कस ऑरेलियंस, दो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति का अध्ययन मूल रूप से किस इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है वैदिक इतिहास के अंतर्गत। जार्जेज ले ब्राफ, जिसे इतिहास लेखन में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो शब्द का अभिकर्ता माना जाता है, का संबंध किस देश से है, तो ये फ्रांस से है। इतिहास लेखन के संदर्भ में नोट्स लेना एक महत्वपूर्ण साधन है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक शोध कार्य के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक शोध कार्य के संबंध में ये हमने कर लिया है। इतिहास लेखन के संदर्भ में किसी के शब्दों को उधार लेना उसका उचित उदाहरण न देना कहलाता है, तो साहित्य चोरी कहलाता है। और फिर से आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी प्रकार का सुझाव है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करके कमेंट कर सकते हैं। इतिहास लेखन के संबंध में संदर्भ निर्देश है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों ही हो जाएगा। लेखन सामग्री को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं, फिर एक माध्यम की भांति कार्य करते हैं। फिर से देख लेते हैं, लेखन सामग्री को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं, एक माध्यम की भांति कार्य करते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 100 ऑप्शन हो जाएगा। इतिहास लेखन कार्य में फुट नोट क्या है, तो ये हो जाएगा स्रोतों की आभारोक्ति का एक साधन है। साहित्य चोरी किस प्रकार की अवधारणा है, तो ये एक साहित्य चोरी किस प्रकार की अवधारणा है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, नैतिक बता रहा है। इसका उत्तर मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, अगर आपको इसमें उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नैतिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यदि कोई शोधकर्ता इतिहास लेखन में स्रोतों
की आभारोक्ति नहीं देता तो वह दोषी है, तो साहित्य चोरी के लिए वो दोषी हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतिहास लेखन कार्य में ग्रंथ सूची के अंतर्गत लेखों के शीर्ष को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा उदाहरण चिन्हों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रहा है, तो आपको अगर उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाए गए हैं, तो आप इन्हें 5 मिनट में देख सकते हैं और 5 मिनट इसका रिवीजन अवश्य करें ताकि ये आपको लर्न हो सके। तो उम्मीद है इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और जहाँ तक उम्मीद है अभी आपको इवनिंग में 7 o'clock ही वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।